अभी आप जिस छोटे से किंगफिशर पक्षी को देख रहे हैं, इसी ने जापान की बुलेट ट्रेन को विकसित करने में मदद की है। क्योंकि पहले जापान की बुलेट ट्रेन जब किसी टनल के अंदर जाती थी और फिर बाहर निकलती थी, तब बहुत ही तेज आवाज होती थी। लेकिन फिर जापान के वैज्ञानिकों ने इस पक्षी पर ध्यान दिया और देखा कि जब ये पक्षी मछली पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाता है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आती है। और फिर इसी पक्षी के बॉडी को ध्यान में रखते हुए बुलेट ट्रेन को डिजाइन किया गया। और आप यकीन नहीं करोगे कि ये तरीका काम आ गया और अब बुलेट ट्रेन से कोई भी आवाज नहीं आती है और इसकी स्पीड भी तेज हो गई।